दिल्ली पुलिस में सबसे आसानी से कैसे जाया जा सकता है? तो मैं आपको ये प्रॉमिस करूंगा कि बहुत सारा आप लगातार ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे तो वो भी सिलेक्शन का। बहुत बढ़िया ऑल न्यूज। ऐसा नहीं होता दोस्त, दोनों जगह आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आज के टाइम में देखोगे, अगर मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूं, एक अच्छे स्टूडेंट के डेस्क पर क्या होना चाहिए ताकि वो एक निश्चित समय में सिलेक्शन पा पाए। जैसे आप लोगों के सामने टारगेट होगा अभी दिल्ली पुलिस में जाने का, दिल्ली पुलिस में सबसे आसानी से कैसे जाया जा सकता है? तो मैं आपको ये प्रॉमिस करूंगा कि बहुत सारा आप लगातार ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे तो वो भी सिलेक्शन का आधार नहीं हो सकता। आपको एक लिमिटेड टाइम में एक बैच खत्म करना होता है और आपकी टेबल पे बुक्स होनी चाहिए। बुक्स कैसे? मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप कभी भी सिर्फ ऑनलाइन डिपेंड रहकर अगर सोचेंगे कि मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं नहीं कर पाएंगे, आप खुद को सिलेक्शन से दूर भेजेंगे। हाँ, आप टीचर से सीख कर, टीचर की क्या उपयोगिता है? सिर्फ सेल्फ स्टडी भी आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर टीचर्स की नीड ही नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिल्ली पुलिस के लिए आपके टेबल पर एक बुक हो अच्छी मैथ की। वो कोई भी एक बुक हो सकती है, शारदा पब्लिकेशन हो सकती है, आर एस अग्रवाल हो सकती है, कोई भी किताबें हो सकती हैं, हमारी अपनी किताबें हैं, है ना? ठीक है। और आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बुक्स आएंगी भी सारी। ऐसी ही बात आती है रीजनिंग की, बहुत सारी बुक्स हैं। अरिहंत रेड मास्टर है आपकी, बहुत बढ़िया किताब है रीजनिंग के लिए, और 25 मार्क्स जैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस के लिए पेड क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी किताब से आप जीएस को कवर नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जीएस आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है। तो मैं आपसे वादा करूंगा दोस्त, आपके कंप्यूटर और जीएस की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा पूरी तरह से। और यहाँ आपको मैं 100% कहीं से भी पेपर आएगा, किसी भी तरह का आएगा, अगर शुरुआत से मैं आपके साथ रहूँगा तो आप लोगों को इस पार्ट के लिए बहुत मेहनत करूँगा। ठीक है, निश्चिंत रहेंगे आप। तो ये चीज़ें आप याद रखें, मैथ रीजनिंग की बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और यही सिलेक्शन का आधार बनता है। यहीं तक हो जाता है हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट क्लियर।